टूना और टूनी टूटे फूटे झोपड़ी में रहा करते थे। उनके पास घर के नाम पर एक झोपड़ी ही थी। टूना और कालू जंगल से बांस काट कर अपना रोजी रोटी चलाया करते थे। अच्छा कालू भाई, यहाँ पर जितने भी बांस है हम काट देते हैं। हाँ हाँ वही करूँगा, लेकिन यहाँ पर उतने बांस है नहीं। जितने हैं हम उतने ही काट लेते हैं, कुछ नहीं तो कुछ तो सही। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये कितने दिनों तक चलेगा? पता नहीं भाई, पता नहीं। आज इतने बांस काटेंगे तो उसमें आज का गुजारा तो हो जाएगा, पर कल का पता नहीं। कल जब उठेंगे तब पता चलेगा कल का। फिर टूना और कालू बांस काटने लगते हैं। फिर बांस को काट कर टूना और कालू उसे ले जाते हैं। आज तो हम ये बांस को बेच देंगे, लेकिन कल क्या करेंगे? पता नहीं, तो जल्दी जल्दी अपने पाँव चलाओ, आज का तो जुगाड़ हो गया, कल का कल देखेंगे, जल्दी जल्दी चलो। अच्छा ठीक है भाई। अरे आज तुम दोनों ने देर कर दी। सेठ जी वो बांस काटने में समय लग गया, अब जल्दी से हमारे पैसे दे दीजिए। ये क्या इतने कम पैसे, आप तो जानते हो बांस काटने में पूरा दिन निकल जाता है। अरे जितना बांस लाए हो उतना ही दूंगा ना, जिस दिन ज्यादा लाओगे उस दिन ज्यादा दूंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, हम आते हैं कल फिर। फिर टूना और कालू अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे गोरी कहाँ है, जरा इधर तो आना। अरे जरा देखूं तो कितने रुपए लाए हो। ये लो गोरी। हाय हाय हाय, इतने से कम पैसे में एक वक्त का खाना भी नसीब ना हो, किस किस्मत से इस घर में आई पता नहीं। अब तुम कुछ मत बोलो, आज बांस कम मिले इसीलिए सेठ ने भी पैसे भी कम दिए। अच्छा ऐसे बोल रहे हो जैसे दूसरे दिन पैसों से घर भर देते हो। रोज रोज रुखी सुखी खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। हाँ। अच्छा खाना खाने के लिए मैं तो सपना में भी नहीं सोच सकती, खाना तो दूर की बात है। अरे कालू आज किधर जाएंगे, कल तो वहाँ का बांस काट लिए थे, आज कहाँ जाएंगे? बांस तो काटना ही पड़ेगा, अगर ज्यादा पैसे लेकर घर नहीं गए तो बीबी के ताने सुनने पड़ते हैं। चल एक काम करते हैं, हम बांस काटने के लिए उस तरफ जाते हैं, वहाँ बहुत बांस है। पर वहाँ तो जाने से सब मना करते हैं, ये ठीक नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे कुछ नहीं होगा, हम जल्दी से वहाँ जाएंगे, बांस काटेंगे और यहाँ ले आएंगे। अरे वहाँ भूत रहते हैं, वहाँ जाने से सभी मना करते हैं। भाई कुछ भी हो मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, जाना है तो चल मेरे साथ। मैं भूतों से उतना नहीं डरता जितना बीबी से डरता हूँ, अगर ज्यादा पैसे लेकर घर नहीं गया तो गोई मुझे तानों से मार देगी। ठीक है चलो। फिर दोनों उस घने बांस के जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाप रे बाप कितनी डरावनी जगह है, यहाँ का हवा कुछ अजीब ही है। हाँ तेरी बात सुन लेते तो अच्छा होता। अरे नहीं बाबा नहीं, भूतों से ज्यादा खतरनाक तो मेरी बीबी है, बहुत खतरनाक। फिर दोनों बांस काटने लग जाते हैं। जैसे ही बांस काटे तभी वहाँ एक जीन आ जाता है। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए। अरे तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं था जो मुंह उठाकर चले आए। अरे बोल बता यहाँ क्यों आए, बताओ मुझे। कालू अपने बीवी के तानों की बात जीन को बताता है। अच्छा ये बात है, तुम अपने बीवी से डरते हो ना, तुमने भूतों से सामना किया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो तुमने मुझसे सामना किया। ये लो सोने के कंगन, अपनी बीवी को दे देना। और तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे तो सिर्फ बांस चाहिए, मैं अपने मेहनत का ही खाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है तुम जितने बांस चाहो काट कर ले जा सकते हो, जाओ जाओ काट लो। फिर टूना अपने लिए बांस काट लेता है और कालू और टूना अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे गोरी कहाँ हो, जल्दी जल्दी यहाँ आओ। अरे क्या है इतने जल्दबाजी क्यों है? फिर कालू सोने के कंगन गोरी को दिखाता है। अरे बाप रे ये कहाँ से मिले हैं,
ये मुझे बताओ, तुम आजकल चोरी कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, पहले पूरी बात तो सुनो। फिर कालू गौरी को सारी बातें बताता है। और देखो बेवकूफ टूडा को, कंगन लेने के बदले पास लेकर आया है। हाँ, ये क्या कह रहे हो? जिन ने तुम्हें सोना दिया, इसकी तो बहुत कीमत होगी ना? अरे सुनो ना, अब हम लोग अमीर बन जाएंगे। बहुत बड़ा बंगला होगा, जमीन होगी, गाड़ी होगी। अरे वो सब तुम मत सोचो, उसका कोई फायदा नहीं है। अरे मेरे भोले पति, जिन ने हमें दिया है और तुम्हें डर लग रहा है। सुनो, कल फिर से वहाँ जाना, और भी सोना मिलेगा। अरे कल क्यों? इससे तो हमारे कई महीनों का खर्चा निकल जाएगा, कल क्यों? डरपोक ही का, तुम्हारी सोच ही छोटी है, महीनों की बात पड़ी है, पूरी जिंदगी काटनी है। मेरी बात सुनो, कल तुम्हें जाना ही होगा। अच्छा अच्छा, मैं जाऊंगा, चलो खाना लगा दो। इधर टूना के घर में टूना भी जिन की सारी बात टूनी को बताता है। अरे बाप रे, आपने ठीक किया जी, जो बांस काट कर ले आए, जिन का क्या भरोसा? हमें तो अपने मेहनत से कमाना है और खाना है, लालच करने वालों को तो नुकसान उठाना ही पड़ता है। हाँ टूनी, इसीलिए मैं बांस काट के ले आया। अगले दिन फिर से कालू और टूना बांस के जंगल में जाते हैं और कालू फिर से जिन को अपना दुखड़ा सुनाकर सोने के कंगन ले लेता है और टूना अपने लिए बांस काट लेता है और इकट्ठा करके जाता है। कालू अपने घर जाकर गोरी से कहता है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ। अरे आती हूँ आती हूँ, चिल्लाओ मत, दीवारों के भी कान होते हैं। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और सोने के कंगन लेकर आया हूँ। ये क्या, फिर से एक ही सोने के कंगन लेकर आ गए? आप भी ना, एक साथ बहुत सारे सोने के कंगन लाना चाहिए था, बार बार मेहनत क्यों करनी? नहीं नहीं गोरी, ज्यादा लालच करना सही नहीं होगा, ज्यादा लालच से सब तबाह हो जाएगा। ठीक है अब ज्ञान मत तो ज्यादा, कह दो ना कि हिम्मत ही नहीं है। दो पैसे ज्यादा आ रहे हैं उस पर ध्यान दो है, मुझे एक ही दिन में बहुत अमीर बनना है, कह दे रही हूँ। हाँ। अरे बाप रे, अब ये क्या बात हुई? हाँ यही बात है, तुम्हारा तो पता ही है, दिमाग में गोबर भरा है, मैं जो कह रही हूँ वही करो, समझे? अगले दिन कालू और टूना के साथ गोरी भी बांस के जंगल में चली जाती है। अरे क्या हुआ, शुरू हो जाओ, इस तरह से क्या दिख रहे हो? सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। अरे मेरी फूटी किस्मत, इस बुद्धू को लेकर पूरी जिंदगी मुझे लेना पड़ेगा। जहाँ से मर्जी हो वहाँ से शुरू करो, उस मोटे वाले बांस से शुरू करो, उस मोटे वाले बांस से हमें ज्यादा सोना मिलेगा। हाँ हाँ वहीं से शुरू करो। गोरी इतना लालच करना सही नहीं है, मुझे लगता है कुछ समस्या हो सकती है। हाँ हर वक्त ज्ञान देते रहते हो, जो कह रही हूँ वही करो, ज्यादा मत बोलो, समझे? तुम नहीं काटोगे तो दो मुझे, मैं काटती हूँ। इतना कहकर गोरी खुद मोटे बांस को काटने लगती है। उस मोटे बांस के काटने पर उसमें से एक बड़ा जिन बाहर निकलता है। कौन हो तुम? हाँ कौन हो? मेरी नींद खराब कर दी तुमने, इतनी हिम्मत तुम में? गोरी लालच में आकर अपना झूठा दुखड़ा सुनाने लगती है। वो लालच में आकर जिन से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। जिन जी, हमारे कष्टों को दूर कीजिए, हमें ढेर सारा सोना दीजिए। बस बस, और कितना झूठ बोलेगी? तेरे पति के भोलेपन के कारण उसे आज तक सोना मिलता गया और तू लालच में आकर खुद चली आई। मुझे सब पता है, अब मैं तुम लोगों के सारे सोने वापस लेता हूँ और चले जाओ यहाँ से, इस जंगल में वापस कभी मत आना। इतना कहकर मंत्र के द्वारा जीन कालू कौवे के घर से सारे सोने वापस ले लेता है और कालू और गोरी को वहाँ से भगा देता है। बोलो टूना, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बांस काटने दीजिए, मेरा घर जर्जर हो गया है, मैं इन बांस से अपने लिए एक घर बनाना चाहता हूँ, बस मुझे बांस काटने दे दीजिए। टूना, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ, अब तुम्हें बांस काटने की जरूरत नहीं, तुम आराम से घर जाओ, मैं तुम्हें एक बांस का घर देता हूँ जो तुम्हारी हर मौसम में सुरक्षा करेगा। और ये रखो कुछ बांस के बीज, इसे उगाकर तुम अपना जीवन यापन कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीन जी।
फिर टूना घर जाता है तो उसे बांस का बना बनाया घर मिल जाता है और जीन के दिए बांस के बीज को उगाता है। टूना बांस के बड़े होने पर उन बांस को काट कर उन्हें बेच कर अपना रोजी रोटी कमाने लगता है। रामपुर के जंगल के मुखिया टूनी और कालू कौवे के पिता थे। वे अपने बेटे कालू कौवे से बहुत परेशान रहते थे। कालू अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। टूनी भी कालू के इन हरकतों के कारण उसके साथ डांट खा जाती थी, जबकि टूनी ईमानदार और घर के कामों में हाथ बटाया करती थी। टूनी के पिता को इसी बात की चिंता रहती थी कि कालू पर कभी भी जंगल को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा, क्योंकि कालू कौवा बड़ा था और बड़ा होने के नाते उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं था। इसीलिए एक दिन टूनी और कालू को उनके पिता बोले, कालू तू कब तक इस तरह से निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के पक्षी घर का काम संभाल रहे हैं या फिर खेती में ध्यान देते हैं। तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर, पर तेरे कान में तो जू तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला कर लिया है, अब तुम दोनों जंगल में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये दोनों कहाँ कहाँ भटकेंगे। माँ मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पतंग उड़ाने टीकू के यहाँ जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम दोनों कल सुबह तक काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। टूनी के पिता ने जबरदस्ती कालू को काम ढूंढने के लिए भेज दिया, साथ ही साथ टूनी को भी कालू के साथ डांट खानी पड़ी। टूनी छोटी थी, बड़े के साथ छोटे को भी डांट खाना पड़ा, जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस गई। दोनों को घर से बाहर निकालने का बस यही कारण था कि दोनों एक जिम्मेदार चिड़िया बन सके और आगे चलकर उन्हें ही मुखिया बनना था। सुबह होते ही दोनों काम की तलाश में निकल पड़े। कालू भी काम की तलाश में निकल तो पड़ा, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। देख टूनी, मुझे काम वाम नहीं करना, मुझे बस आराम करना है। मैं इस झोपड़ी में अपना दिन काट लूंगा, मुझे अकेला छोड़ दे और तू जा काम की तलाश में। लेकिन भैया, पिताजी को पता चला तो वो आपके साथ मुझे भी डांट लगाएंगे। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं मुखिया का बेटा हूँ, जाओ अब तू यहाँ से। ठीक है भैया। इतना कहकर टूनी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और कालू वहीं झोपड़ी में रुक जाता है। टूनी चलते चलते घने जंगल में पहुँची। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज जी समाधि में बैठे दिखाई दिए। टूनी सामने देखती है कि एक सांप साधु बाबा को डसने वाला है। टूनी ने देरी न करते हुए झट से डंडे से सांप को दूर फेंक दिया। शोर की वजह से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने टूनी को सांप को भगाते देखा। धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, आओ मेरे घर में चलो, वहाँ चलकर बातें करते हैं। बाबा आपका घर तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बनी हुई है। बेटी ये बांस का घर मैंने स्वयं बनाया है, बांस को जोड़ जोड़ के बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी बिल्कुल रह सकती हो। टूनी उस साधु बाबा के साथ रहने लगी। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करती थी। वहाँ टूनी ने साधु बाबा से बांस के घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा टूनी से बोले, टूनी बेटी अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है, अब तुम्हारा भी अपने जंगल लौटने का समय आ गया है। पर बाबा जी मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कुछ काम धंधा नहीं ढूंढ लेती तब तक मैं जंगल वापस नहीं जा सकती। काम तो तुमने सीख लिया बेटी, तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं,
वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने जंगल जाना और वहाँ पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन तुम्हारे ये बांस के घर बहुत काम आएंगे। टूनी साधु बाबा से विदा लेकर वापिस जंगल में पहुँच जाती है और अगले दिन बांस मंगवा कर पूरे जंगल में बांस के घर बनाने का काम शुरू कर देती है। पता नहीं इन दोनों को काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था, पर एक का तो पता नहीं है और दूसरा बांस के घर बनाने में लगी है। देखने में घर कितना सुंदर और मजबूत है, पर ये घर किस काम का? यहाँ कौन रहेगा? जंगल में सबके अपने अपने घर है और ये बेफिजूल की मेहनत कर रही है। टूनी कुछ ही दिनों में पूरे जंगल में जगह जगह बांस के घर बना लेती है। बारिश का समय आ चुका था और जंगल में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया जिससे रामपुर के जंगल के पास वाली नदी में बाढ़ आ गई, जिससे जंगल बाढ़ की चपेट में आ गया। रामपुर के साथ साथ आसपास के जंगल भी डूब रहे थे। सभी चिड़िया इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें बांस के घर बने दिखाई दिए जो काफी ऊंचे बने हुए थे। पूरे जंगल के चिड़ियों ने बाढ़ से बचने के लिए टूनी के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। टूनी के माता पिता भी उसी बांस के घर में शरण लेते हैं। पिताजी, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर काम आएंगे और आज हमारे पूरे जंगल बाढ़ के चपेट में आ गया है। जंगल में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस का घर नहीं डूबे। हमारे सभी जंगल के पक्षी सुरक्षित हैं। हाँ टूनी बेटी, तूने तो सचमुच जंगल के चिड़ियों के लिए जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर नाज है बेटी, और ये कालू बड़ा होकर न जाने कब समझेगा, पता नहीं कहाँ मर रहा है। कई दिनों तक पक्षी आराम से बांस के बने घरों में रहते हैं। धीरे धीरे पानी कम हो गया। जंगल के चिड़ियों ने टूनी की बहुत तारीफ की। दूसरे जंगल के पक्षियों ने इस बात को सुना तो वो लोग भी बांस के बने घर को देखने आने लगे। सरपंच जी, आपकी बेटी तो बहुत होनहार है। बांस के घर बनाकर इसने सचमुच आपके जंगल की चिड़ियों को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं कि टूनी हमारे जंगल में भी ऐसे ही बांस के घर बना दें, ताकि बाढ़ आने पर हमारे जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित रहे। जितनी भी लागत आए वो तुम ले लेना टूनी, और हम सबके जंगल में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू कर दो। ठीक है, मैं कल से ही और पक्षी को अपने साथ मदद के लिए बोलती हूँ। और आप सब चिंता मत कीजिए, मैं सभी के जंगलों में बांस के घर बना दूंगी। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरी बिटिया को इतनी मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हैं, हमारी टूनी ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। कालू तो नालायक निकला जो मुसीबत में भी मदद को नहीं आया। टूनी के द्वारा बनाए गए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से जंगल के मुखिया अपने जंगल में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे टूनी के बांस का घर बनाने का काम व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। टूनी ने मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद दिया, जिसके कारण टूनी को सफलता मिली थी। वहीं कालू कौवा का झोपड़ी बाढ़ के पानी में टूटकर बह गया था और कालू कौवा इधर उधर भटकने को मजबूर हो गया था। एक दिन टूनी कालू कौवे को जंगल में भटकते हुए देख लेती है। भैया, आप यहाँ और इस हालत में, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? टूनी, मेरी झोपड़ी बाढ़ के पानी में बह गया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाया हूँ। कुछ काम नहीं था इसलिए घर भी नहीं लौटा, पिताजी के डांट खाने के डर से। मुझे माफ कर दो टूनी, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ऐसे मत बोलिए भैया, चलिए मेरे साथ चलिए और मेरे साथ बांस के घर बनाने में मेरी मदद करना।
इस तरह टूनी कालू कौवे को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भी बांस के घर बनाना सिखा देती है।